हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 20 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, ये हमारे करंट अफेयर्स का डॉज नंबर 15 है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, हमारा ये करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। कौन इंडियन गैस एक्सचेंज IGX के नाम से प्रख्यात भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए मणिकरण पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी रावत बाटा पावर लिमिटेड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पावर लिमिटेड। दोस्तों, इसका सही आंसर है मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड इंडियन गैस एक्सचेंज का पहले से ही सदस्य था और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी पहला सदस्य बन गया है। IGX जो है भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का अंग है। MPL मणिकरण पावर लिमिटेड भारतीय ऊर्जा विनिमय और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में ऊर्जा के व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो कि शक्ति, REC ट्रेडिंग और समूह कैप्टिव के द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार में दस्तावेज और सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस स्थान पर सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सिटीज समिट आयोजित होगा? ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी कुआलालंपुर में, ऑप्शन डी सिंगापुर में। दोस्तों, 5 से 9 जुलाई 2020 तक सिंगापुर में सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक और क्ली एन विरो समिट सिंगापुर के साथ आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर में, और इसे सिंगापुर के सेंटर फॉर लाइवेबल सिटीज और शहरी पुनर्विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस वर्ष WCS वर्ल्ड सिटी समिट का जो विषय है वो विषय क्या है? लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू ए डिस्प्यूट वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। भारत के किस राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह मिली है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात में। गुजरात में कहां पर मिली है? गुजरात में कच्छ के धार्मिक स्थल माताना मढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जिसकी सतह मंगल ग्रह जैसी है। हाइड्रोसल्फेट और पोटेशियम एवं लोह तत्वों के घटकों से जेरोसाइट बनता है और जिसकी मौजूदगी माताना मढ़ की जमीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कहां पर शुरू हुई है? दिल्ली में। शुरू किसने की है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली।
और जो ये स्कीम है मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे तथा इस योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें जिससे क्या वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है? ऑप्शन ए कुन्नूर, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्नई में। चेन्नई में एकल पीठ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायिकरण द्वारा एक पीठ गठन चेन्नई में किया गया है जो कि दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगी, और हालांकि इसकी प्रमुख जो पीठ है वो दिल्ली में काम करेगी। जो NCLT है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायिकरण की जो पीठ है, चेन्नई वाली जो पीठ है, वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, नौसेना ने COVID-19 कोरोना वायरस 19 से प्रभावित लोगों के लिए किस स्थान पर क्वारंटीन शिविर स्थापित किया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कुड़कुल्लम, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में नौसेना ने COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन शिविर स्थापित किया है। नौसेना ने COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए पूर्वी नौसेना कमान में तैनात INS विश्वकर्मा में ये शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों का निर्माण COVID-19 से प्रभावित देशों से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। यह COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, भारतीय नौसेना का एक प्रयास है। यहाँ जो व्यक्ति जो बुलाए जाएंगे जो कि कोरोना से पीड़ित होंगे, वे व्यक्तियों की निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार की जाएगी। कोरोना वायरस जिसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे इराक के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए बरहाम सालेह, ऑप्शन बी अदनान अल जुर्फी, ऑप्शन सी मोहम्मद अल्लावी, ऑप्शन डी आदिल अब्देल मेहदी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अदनान अल जुर्फी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि मां के राष्ट्रपति बरहाम मसाले ने इसकी नियुक्ति की घोषणा की है। अदनान अल जुर्फी निवर्तमान प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी की जगह लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2019 में, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा 40 लोगों की हत्या करने के व्यापक विरोध के चलते अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने CRISIL बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी जॉन बेरीफर्ड, ऑप्शन सी आशु सुयस, ऑप्शन डी इंदिरा नुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य ने। अरुंधति भट्टाचार्य क्रिसिल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थी तथा उनका इस्तीफा 15 अप्रैल 2020 से लागू होगा। बताया जाता है कि उन्होंने अपना इस्तीफा USA की कंपनी सेल्स फोर्स का भारत में संचालन करने के लिए कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO चुने जाने के कारण अपना इस्तीफा दे दिया है। अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली पहली महिला थी। साथ ही वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म स्विफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, वैश्विक स्तर पर हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च को, ऑप्शन बी 18 मार्च को, ऑप्शन सी 19 मार्च को, ऑप्शन डी 20 मार्च को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 मार्च को। दोस्तों यह दिन की शुरुआत 18 मार्च 2018 में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग द्वारा की गई थी, यानी कि सबसे पहले 18 मार्च 2018 को मनाया गया था,
जिसके बाद इसे हर साल विश्व स्तर पर रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा तीसरे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। इस दिन को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थापित करना, यानी कि अपशिष्ट का रिसाइकलिंग करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए शरद पवार, ऑप्शन बी भालचंद्र मुंगेकर, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी वृंदा कारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भालचंद्र मुंगेकर ने। भालचंद्र मुंगेकर द्वारा लिखित पुस्तक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट का विमोचन आज किया गया था। भालचंद्र मुंगेकर जो है भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के प्रमुख शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के महासचिव डी राजा और भाकपा मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी की उपस्थिति में इसका विमोचन किया गया था। तो दोस्तों, ये ताज का करंट अफेयर जी के जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कोरोना वायरस के चलते हुए आप घर से बाहर ना निकले और करंट अफेयर्स देखते रहे, जो कि हम आपको डेली अपडेट करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।